राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर करोड़ों श्रद्धालुओं का 500 वर्ष पुराना इंतजार खत्म हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी भव्य श्री राम मंदिर का शिलान्यास करने के लिए अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रजत शिलाओं से भव्य मंदिर की आधारशिला रखी। करीब 30 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी राम लला के दर्शन करने पहुंचे और उनके दरबार में पहुंचते ही दंडवत प्रणाम किया, जिसको लेकर आज कटरा के भी सभी मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस शुभ घड़ी पर नगर कटरा के सुप्रसिद्ध शिव दर्शन मंदिर, ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर, हनुमान मंदिर, बिजली घर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, टी गार्डन मंदिर, भूमिका मंदिर, बाढ़ गंगा मंदिर, चरण पादुका मंदिर आदि समस्त मंदिरों में इस शुभ बेला पर मंदिर के पुजारियों के साथ ही कर्मचारियों ने विशेष पूजा अर्चना कर शंखनाद के साथ ही ढोल घड़ियाल घंटी आदि बजाकर इस शुभ घड़ी का अभिनंदन किया। इस मौके पर प्रभु श्री राम के विशेष भोग लगाकर उपस्थित श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। वहीं उप जिला बिलावर के रामकोट तहसील के गुजरू नगरोट में भी भाजपा मंडल रामकोट की तरफ से दुर्गा मंदिर गुजरू नगरोट में भी इसी खुशी में दुर्गा मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा झंडा फहराकर और सब में हलवा बांटकर खुशी व्यक्त की। इस मौके पर अरविंद बलोरिया और कई गणमान्य लोग पंच और सरपंच मौजूद रहे। वहीं डोगरा फ्रंट और शिवसेना जम्मू और कश्मीर के प्रधान अशोक गुप्ता ने भी अयोध्या में भूमि पूजन के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई दी। ढोल नगाड़ों का दिन, लड्डू बांटने का दिन और खुशियां मनाने का दिन, आज मिलकर के खुशियां मनाने का हम प्रयास करना चाहते हैं। आज हम ये मांग करना चाहते हैं कि ये जो भूमि पूजन पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, इसलिए मैं इन सारे विषय को लेकर के बड़ा स्पष्ट करने का प्रयास करना चाहता हूँ। आज खुशियों की लहर है। एक वो प्रधानमंत्री सोमनाथ मंदिर के अंदर नहीं गए जिन्होंने जाने से उस समय इनकार कर दिया था। सरदार पटेल जी की याद आ रही है जो सोमनाथ मंदिर के अंदर भी गए। आज एक पहले प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी गई थी, दूसरे प्रधानमंत्री ये आज वहां भूमि पूजन करने के लिए जा रहे हैं। वहीं उप जिला बसोली के नीलकंठ शिव मंदिर में हनुमान की मूर्ति की स्थापना की गई। इस मौके पर समस्त बसोली वासी और बजरंग दल के समस्त कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर उदित पादा ने बताया कि आज पूरे भारत वर्ष में खुशी का दिन है, जहां एक तरफ अयोध्या में प्रभु राम जी के भव्य मंदिर का नींव पत्थर रखा जा रहा है, वहीं बसोली में हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना की गई है। वहीं कालाकोट रामरेला परिसर में भी तिरंगा फहराने के बाद श्री महाकालेश्वर रामरेला क्लब के अध्यक्ष कमल सूरी ने कहा कि वर्षों से राम मंदिर का सपना जिन देशवासियों ने देखा था, वो सपना आज राम मंदिर के शिलान्यास के साथ पूरा हुआ है और राम के प्रति आस्था रखने वाले राम भक्त और देशवासी आज इसे एक उत्सव की तरह मना रहे हैं। आज हमारे देश में ये उत्सव बढ़ चढ़ के मनाया जा रहा है। हर गांव में, हर शहर में, जहां जहां भी जितना हमारा हिंदुस्तान है, वहां पर हर एक इंसान जो अपनी इस खुशी की लहर में समाया हुआ है। आज हमारा ये 50 दशक के बाद हमें ये आज ये दिन देखने को मिला है। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और हमारा आज जो राम भूमि पूजन हुआ है, इसके समक्ष पर पूरे देशवासियों को हम बधाई देते हैं। आज हमारे जन्म जन्मों की तपस्या साकार हो रही है। और रही बात 1970 की, आज पहली वर्षगांठ 1970 धारा जो हमारे जम्मू कश्मीर से हटा है, इसलिए मनाई जा रही है। वहीं श्री द्वारिकानाथ शास्त्री महाराज जी मंदिर संगवाली मोड़ सांबा में भी आज भगवान श्री राम मंदिर के भूमि पूजन महामहोत्सव के उपलक्ष्य पर मंदिर में श्रीमान संदीप सम्मयाल की ओर से पौधे लगाकर 5 अगस्त की ये श्री राम के दिन को यादगार बनाया गया। वहीं उप जिला बिलावर के कई क्षेत्रों में रामचंद्र जी का जय घोष लगाते हुए राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। बिलावर के चौगान में म्युनिसिपल कमेटी के चेयरमैन उमाकांत बसोत्रा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया। वहीं डोगरा फ्रंट के लोगों ने डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष जयदेव सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और लाखड़ी में एकल अभियान अंचल बसोली और अध्यक्ष महेंद्र सिंह मनकोटिया ने जयघोष के साथ राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं रामकोट के पहाड़ी क्षेत्र के पंचायती सेल के अध्यक्ष रविन्द्र सिंह वलौरिया
ने भी राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं आज नारायण दत्त त्रिपाठी द्वारा मछेदी में तिरंगा झंडा लहराया गया। साथ ही बीडीसी चेयरमैन कमल किशोर और मंडल के प्रधान बीडीसी चेयरमैन धर्म सिंह, सह प्रभारी संजीत, सरपंच मछेदी, साबका सरपंच खुशी राम और बाकी कार्यकर्ता एक विधान एक निशान और एक प्रधान जिंदाबाद हिंदुस्तान। आज के दिन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला राम जन्मभूमि अयोध्या का शिलान्यास देश के प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। उपजिला बिलावर के ऐतिहासिक गांव भड्डू में आज शाम को रामलीला क्लब भड्डू के सदस्यों ने हनुमान जी की प्राचीन शिला के सामने और रामलीला ग्राउंड में प्रभु हनुमान जी का हनुमान चालीसा का गुणगान किया और श्री राम जी के जयकारे लगाए। जय घोष लगाते हुए इस मौके पर समस्त भड्डूवासी मौजूद रहे और सब ने ऐतिहासिक राम मंदिर की नींव रखी जाने पर सबको मुबारकबाद दी। कटरा से रोहित शर्मा, बिलावर से दीपक शर्मा, कालाकोट से साहिल कौल, बिलावर से अंजू चंदेल और हीरानगर से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं जो कि खबर नाउ का सिटीजन रिपोर्टर, तो आप अपनी खबर अब हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। खबर के साथ अपना फोटोग्राफ या वीडियो और मोबाइल नंबर जरूर भेजें। गबरू मेंस लग्जरी सैलून सर्विसेज अवेलेबल। एडवांस हेयर कट, बियर्ड, फैशन हेयर कलर, स्मूथनिंग एंड केराटिन, फेसियल, डीटैन, हेयर स्पा, मैनिक्योर, पेडिक्योर, हाइलाइट्स। अपोजिट एस्क्वास्ट मेन रोड, आरएसपुरा, जम्मू। कॉन्टैक्ट नंबर 9622386022।